फरीदाबाद के अरावली क्षेत्र के मांगर में पत्नी के नाम से करोड़ों रुपए की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदकर जिला वन अधिकारी सुरेश पुनिया बुरी तरह से फंस गए हैं। वन अधिकारी ने मांगर में अपनी पत्नी प्रिया पुनिया के नाम पर पहाड़ में ही 5 कनाल 14 मरले जमीन मात्र 10 लाख रुपए में खरीदी है, यानी कि उन्होंने मात्र 290 रुपए गज के हिसाब से ये जमीन खरीदी है। वहीं पिछले कई सालों से अरावली को बचाने के लिए कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ रहे बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलन पराशर ने भी चिंता जताते हुए याचिका दायर करके मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही है। इस मामले में वन मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले फरीदाबाद के उपायुक्त रहे प्रवीण कुमार ने भी अनखीर गांव में अपनी मां के नाम से जमीन खरीदी थी। इसका खुलासा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने किया था। इसकी जांच स्टेट विजिलेंस ब्यूरो द्वारा कई सालों से की जा रही है। इसके अलावा सूरजकुंड रोड पर डिलाइट गार्डन के पीछे भी अरावली क्षेत्र में राज्य सरकार के एक बड़े आईएएस अधिकारी का फार्म हाउस खासी चर्चाओं में है। निगम के एक अधिकारी का फार्म हाउस भी लोगों की जुबा पर है। इनके अलावा और भी कई आईएएस आईपीएस मंत्री विधायक और पूर्व मंत्रियों ने अरावली की जमीन पर प्रतिबंधित क्षेत्र में अपने अपने फार्म हाउस अवैध रूप से बनाए हुए हैं। इससे साबित होता है कि अधिकारी और नेता फरीदाबाद को सोमनाथ का मंदिर समझकर लूट रहे हैं। अरावली बचाने में कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसके लिए मैंने कई याचिकाएं डाली हैं, हाई कोर्ट में भी डाली है, सुप्रीम कोर्ट में मैंने कई अधिकारियों के खिलाफ, जिसमें जो अब पहले डीसी थे उनके खिलाफ भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के नोटिस तक इशू किए कराए हुए हैं। लेकिन सरकार में बैठे कुछ नेता और कुछ अफसर अरावली को लूट रहे हैं। इस मामले में जिला वन अधिकारी सुरेश कुमार पुनिया से उनके कार्यालय पर जानकारी लेने पहुंचे तो साहब कार्यालय से ही नदारद मिले। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।